मेडिटेशन मेडिटेशन और मेडिटेशन, कोई भी साइकिक एबिलिटी या फिर सुपर पावर पानी है तो इसके लिए मेडिटेशन करें, जो कि सचमुच एक बहुत ही बोरिंग सा तरीका बनकर रह चुका है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप बिना मेडिटेशन किए भी ऐसे कई सारे सुपर पावर्स हैं जिन्हें पा सकते हो। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बिना मेडिटेशन किए हम कैसे कोई भी सुपर पावर पा सकते हैं, तो मेरे दोस्त ये शक्ति आपको मैं नहीं दूंगा बल्कि खुद नेचर यानी कि प्रकृति दे सकती है। ऐसे कई सारे लोग रह चुके हैं जिन्हें एक्सीडेंट के बाद सुपर पावर्स मिल गए, जैसे कि बॉगडन नाम का बच्चा एक बार अपने स्कूल से घर जा रहा था और रास्ते में उसे एक नंगे वायर से करंट लग जाता है। वो सही सलामत अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जब वो नाश्ता करने के लिए बैठता है तब उसके हाथ से जो चम्मच होता है वो छूटकर नीचे गिर जाता है, और जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तब वो चम्मच उठने के बजाय उसके शरीर से जाकर चिपक जाता है, और फिर धीरे धीरे जितनी भी मेटल की चीज़ें होती है वो बॉगडन के शरीर से जाकर चिपकने लगती है। और आज के समय में बॉगडन इंटरनेट की दुनिया में मैग्नेटिक बॉय के नाम से मशहूर है। ऐसी ही एक रियल लाइफ स्टोरी जेसन नाम के एक बंदे की है। जेसन एक ऐसा बंदा था जिसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और बचपन से लेकर आज तक उसके कभी भी अच्छे नंबर्स नहीं आए थे और वो सिर्फ पार्टीज़ वगैरह किया करता था। लेकिन एक बार के बाहर दो लोगों ने उसे मिलकर लूट लिया, और इस हमले के बाद जेसन एक मैथमेटिकल जीनियस बन गया। जेसन इसके बाद ऐसे ऐसे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा जो कि उसने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी पढ़े भी नहीं थे, और वो ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाना सीख गया था जो कि एक आम इंसान के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। नताशा डेमकिना नाम की एक लड़की है जिसके पास सुपरमैन के जैसी बिल्कुल एक्सरे विज़न वाली शक्ति है, और वो सिर्फ अपने आंखों की मदद से लोगों के शरीर का एक्सरे निकाल सकती है, मतलब कि बिल्कुल सुपरमैन की तरह वो लोगों के शरीर को एक्सरे के फॉर्म में देख सकती है। इसी तरह के कई सारे लोग हैं जिनका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देने के लिए बैठूं तो ये पूरी वीडियो ही खत्म हो जाए। तो ज़रा ध्यान से सोचिए कि इन सब लोगों को ये शक्ति कहाँ से मिली। ना ही इन्होंने कोई मेडिटेशन किया था और ना ही किसी प्रकार की कोई भी प्रैक्टिस की थी। इन सब लोगों को खुद नेचर ने ही चुना था और इन्हें ये शक्ति दी थी। इसी तरह से ये प्रकृति आपको भी सुपर पावर दे सकती है। बिना मेडिटेशन किए सुपर पावर्स पाने के तरीकों के बारे में जानने से पहले, अगर अभी तक से आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही गजब की वीडियोस आने वाली हैं। मैंने इस वाली वीडियो में एक नया एम रखा है, जैसे कि अगर कोई एक नया बंदा इस चैनल पर मेरी इस वाली वीडियो से मुझे सब्सक्राइब करता है तो मैं गरीब लोगों में 1 रुपये बांटूंगा, और अगर 1000 बंदे सब्सक्राइब करते हैं तो 1000 रुपये बांटूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी गरीब की मदद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैक्सिमम लिमिट 1000 रुपये तक ही है। नंबर 3, साइकोमेट्री, यानी कि किसी भी चीज़ को छूकर ये बता देना कि ये किस इंसान की है और कौन से समय से बिलोंग करती है। साइकोमेट्री की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कोई भी एक चीज़ लेनी है किसी एक अनजान इंसान की, जैसे कि किसी का रुमाल वगैरह, और उसे छूकर ये महसूस करना है और पता लगाने की कोशिश करनी है कि ये किस इंसान की है और कौन से समय से बिलोंग करती है। आप साइकोमेट्री को पत्थरों पर भी ट्राई कर सकते हो। नंबर 2, माइंड रीडिंग, यानी कि किसी दूसरे इंसान की मन की बात जान लेना उन्हें छूकर या फिर सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर। साइकिक लोग जो होते हैं वो किसी भी नए इंसान को छूकर या फिर सिर्फ उनको देखकर उनके भावनाओं और उनके फीलिंग्स के बारे में पता लगा सकते हैं, और इस साइकिक एबिलिटी को पाने के लिए आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बस आपको नए लोगों से मिलना होगा या फिर उनसे हाथ मिलाकर या फिर उन्हें छूकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है या फिर वो क्या फील कर रहे हैं ये पता लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी। नंबर 1, एनर्जी फील्ड का इस्तेमाल करें। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि हर एक इंसान के शरीर में 7 चक्रास होते हैं और हर एक इंसान का शरीर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरा हुआ होता है, और आप इस एनर्जी का इस्तेमाल ऑरा और चक्रास से मिलने वाली शक्तियों को पाने के लिए कर सकते हो। अगर आप ऑरा और चक्रास को पूरी तरह से समझ गए तब आपको सुपर पावर पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में ये बताया है कि आप अपने 7 चक्रास को कैसे खोल सकते हो यानी कि एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन आज आप ये जान लो कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर आप अपने 7 चक्रास को बिना मेडिटेशन किए सिर्फ उन्हें खाकर ही खोल सकते हो। आप दूसरे इंसान के शरीर से निकलने वाले ऑरा को महसूस कर अपने 6th sense की मदद से ये पता लगा सकते हो कि कोई इंसान क्या सोच रहा है या फिर वो इंसान कैसा है, और ख़ुद को निगेटिव एनर्जीज से भी बचा सकते हो। तो अगर अभी तक से आपने 7 चक्रास वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और नीचे कमेंट कर बताएं कि क्या आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।